ये जहाँ से मैं रिटायर हुआ, यहाँ वो जा रहा है। और जहाँ मैंने जिंदगी में एक बार मेरा ख्वाहिश था कि मैं NSC काटूँ, मुझे उम्मीद था कि ये भी काटेगा वहाँ पे, इसलिए वहाँ जा रहा है। तो सपना जो आप सपना जिस चीज को जीने लगोगे ना, वो हकीकत में बनता है। तो आप दोनों लोगों का हम स्वागत करेंगे आपके जोरदार तालियों से। जय हिंद दोस्तों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व NSC कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे जो CPO का जो फिजिकल चल रहा है, उसमें हमारे वीर क्लियर करके आया है। और ये वीर हमारा अग्निवीर में टेक्निकल पद पे, और ये मेरे जहां से मैं कोर ऑफ सिग्नल से रिटायर हुआ, उस कोर ऑफ सिग्नल में ये ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। और वो भी टेक्निकल से, मैं भी टेक्निकल से आया और ये भी टेक्निकल से वहाँ पे जा रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग में वहाँ पे पहले ये 1 MTR में करेंगे, फिर 1 TTR में जाएंगे, फिर आगे बहुत सारे इनको ट्रेनिंग, बहुत मतलब आधी उम्र इनकी ट्रेनिंग में बीत जाएगी। तो ये दोनों वीर यहाँ से कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये अपने दोनों अपने अपने बताएंगे। या आप लोग अपना परिचय बताइए, आखिरकार आप लोग एकेडमी से क्या हासिल हुआ और मेरे द्वारा क्या आपको सपोर्ट किया गया, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि दुनिया को भी पता चले कि यहाँ से भी बहुत लोग बोलेंगे अग्निवीर में तो लेके नहीं घर से निकला, लेकिन झूठों का हवा मानी बात थे वहाँ। तो थोड़ा बताइए दुनिया को। जय हिंद साथियों। जय हिंद। मेरा गांव कसमरिया जगदीशपुर क्षेत्र में पड़ता है, और सर के पास हमने 6 महीने पहले ज्वाइन किए थे, और कहीं भी फिजिकल किए थे तो वहाँ इतना मेरा मुकाम सही नहीं रहता जितना यहाँ पर मिला था। और जितना सर बताए थे वो हर वर्ग जय हिंद। ये कोर ऑफ सिग्नल में जा रहे हैं आर्मी में, अग्निवीर में, और वहाँ पर मुझे ये भी उम्मीद है ये वहाँ पे जाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त साथी वहाँ अभी भी हैं, तो मेरे से जितना सपोर्ट हो सकता है इनको जबलपुर में उतना मैं सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं उस संस्था से अभी निकल के आया हूँ। और मेरे बहुत सारे साथी सुबेदार वगैरह लोग जॉब कर रहे हैं, तो मैं इनको वहाँ भी सपोर्ट करूँगा। तो आप भी बताइए। मेरा 27 का रिजल्ट आया था, तो हम खुद से दौड़ रहे थे इसे, तो 10 तारीख तक खुद से दौड़े थे, तो एकदम इतना पैर वैर सब दर्द कर रहा था, क्योंकि हमको पता नहीं था कि मतलब कैसे कैसे एक्सरसाइज करना है। तो सर को देखते थे आना के बाद, मतलब सब लड़के को मार मार के डंडा से दौड़ाते थे यहाँ पे, तो हम भी देखे मतलब मेरा भी मतलब करवा देंगे सर, क्योंकि खुद से उतना मतलब नहीं अपना बेस्ट नहीं दे पाते खुद से, तो सर को देख रहे थे। और मतलब उधर दो चार मतलब लोग भी बोल रहे थे ना कि वो सर क्या मतलब ऐसे कैसे दौड़ाएंगे। तो एक बात मतलब कि जो कोच होता है ना, जो अच्छा कोच होता है, वो मतलब वो खेलता नहीं है, वो खिलाता है। सर डंडा लेके सब लड़कों को एकदम अच्छा से ध्यान दे के सबको दौड़ा रहे, इसलिए हम सर के पास 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। और मेरा उस टाइम 7:05 का टाइमिंग था, और अगला सप्ताह मतलब सर के पास दौड़े, अगला सप्ताह जब टाइमिंग लगा तो मेरा 6:26 आया था, फिर उसके अगले संडे को टाइमिंग लगा तो मेरा 6:13 का आया था। और अभी जो हम कल दे के आए हैं, तो वहाँ पे यहाँ तो थोड़ा सा मतलब बताना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ग्राउंड बड़ा है, क्योंकि सर वही उसी पर करवाते हैं कि वहाँ पर जाके अपना वेट देके आओ। तो वहाँ मेरा 6:03 में मारा है वहाँ पे 1600 मीटर, और सब बाकी का सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके मतलब क्वालिफाई किया। जो इन्होंने बहुत ही बड़ी बात बोली, ये बहुत बड़ा बात बोल गए कि देखिए वहाँ पे सर मारते थे इसलिए हम इनके पास ज्वाइन किए। और एक कोच दौड़ता नहीं है दौड़ाता, एक कोच खेलता नहीं है खिलाता है, ये आपको अंतर समझना है। एक जो परफेक्ट ट्रेनर होगा, एक उम्रदार ट्रेनर होगा, वो आपको अच्छा चीज सिखाएगा, वो आपके साथ करेगा नहीं कराएगा, आपको बेहतर से बेहतर तरीके से तब कराएगा जो आपको दिखेगा, आपके हर पॉइंट को दिखेगा। तो ये बहुत अफवाहें फैलाने वाले को फैलाने दो कि आपका कोच फानता नहीं है, कूदता नहीं है, दौड़ता नहीं है, तो अब बोलने दो उनको, बोलना काम है। ये बच्चे ने बहुत ही अच्छा बात बोला कि एक जो अच्छा कोच होता है वो खेलता नहीं खिलाता है,
राहुल द्रविड़ को कभी आप बैटिंग करते नहीं देखोगे, लेकिन वो जहाँ पे विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर, रोहित शर्मा जैसे सीनियर प्लेयर खड़े रहते हैं, वहाँ पे वो खड़े होकर बोलते हैं कि आपका यहाँ पे ऐसे मारना, हुक मारना है, ऐसे स्टेट ड्राइव करना है, तो उसी को कोच बोला जाता है। तो कोच में और नॉर्मल ट्रेनर में अंतर समझिए, आप बहुत आगे जाएंगे। पूरा इंडिया का तो नहीं पता, मतलब पूरा इंडिया का तो मतलब हम नहीं घूमे, लेकिन इतना है ना कि जितना बिहार में भी है, जितना फिजिकल एकेडमी है, जितना सर मेहनत करवाते हैं हम लोग से एकदम फ्रेंडली बन के, ऐसे इतना भी नहीं कि स्ट्रिक्ट रहते हैं, पूरा एकदम हंसाते हम लोग को, इतना अच्छा दौड़ाते हैं और इतना एक्सरसाइज करवाते हैं कि इधर कोई मतलब एरिया में कोई नहीं करवाता होता है, जिससे हम लोग का पैर अच्छा रहता है और हम लोग अच्छा अपना बेस्ट दे पाते हैं दौड़ने में। तो सर के लिए भी मेरे इसीलिए इसको क्या बोलते हैं मेरी फीस के, इसलिए इसको बेरिटिस की फैक्ट्री बोला जाता है कि यहाँ पर जो बच्चा टिक गया, जैसे कोई भी बच्चा मैं आता है मेरे पास तो मैं बोलता हूँ, इसलिए कोई भी बच्चा आता है तो मैं यही बोलता हूँ कि आप स्टार्टिंग में आए हो, आपके पैर हाथों में दर्द करेगा, एक महीने आप सह लिए तो आप आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास इस मेले में जो टिक जाएगा वो लास्ट तक बिक जाएगा, ठीक है। तो चलिए उन दोनों को हम शुभकामना भी देंगे और उम्मीद करेंगे कि ये काफी आगे बढ़े और इतना आगे बढ़े कि आपके हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी नाम इससे जाना जाए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा बिहार इन्हीं के नाम से जाना जाएगा। आगे जाके आप कहीं भी सुनोगे तो बोलोगे कि हमारे पास से दो बिर गए थे और ये आगे जाके नाम किया, आप नाम करोगे ना, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद रहेगा तो अगला बार दो शार के साथ मिलेंगे। अरे शाबाश, बहुत बढ़िया, मेहनत करना, खूब मेहनत करना, आप कोई भी दिक्कत होता है एक बार मेरे से पक्का कंसल्ट, किसी यूनिट में जाते हो तो पक्का वहाँ से कंसल्ट करना, मेरा जो भी लेवल होगा मैं यहाँ से उसको रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामना, एक फोटो ले जाओ।